हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग, और इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक ज़रूर देखना। और मेरी सारी पैकिंग हो चुकी है, और अभी मैं उठाऊँ और अब जा रहा हूँ नहाने। और नहा के मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट मैंने पैकिंग वगैरह चेंज कर लिया है। और इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगा बीच बीच में, तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। और बाकी अपडेट मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको मिलेगा, जो कि मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। और आज मैं निकलूँगा यहाँ से, 2-2:30 बजे मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और दिल्ली से होते हुए मजनू का टीला होते हुए, सोनीपत पानीपत रोड से होते हुए मेरा टारगेट है पहले कसौल तक जाना। और बीच में बहुत मज़ा आने वाला है। और चलो मैं आपको अपना बैग वगैरह दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, सारा मैंने बैग पैक कर लिया, अपना तिरंगा भी लगा लिया मैंने, और पूरी पैकिंग हो चुकी है। और ये मेरा स्लीपिंग बैग है, इसके ऊपर मेरा टेंट हाउस है, और बाकी सब मेरा पैकिंग हो चुका है। बस मैं नहा धो के निकलने वाला थोड़ी देर में। और ये वाले शूज़ जो है वो मैं पहाड़ों पर चढ़ते वक्त पहनूँगा, क्योंकि वहाँ पर पैर वैर बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं, तो ये एकदम कम्फर्टेबल रहता है। और यहाँ से मैं ये वाले शूज़ पहन के जाऊँगा, जो कि रनिंग शूज़ है, बहुत अच्छा है, कम्फर्टेबल भी है। तो चलिए मिलता हूँ मैं थोड़ी देर बाद, जा रहा हूँ अभी नहाने, बाय। तो भाई मैं नहा के निकल चुका हूँ। भाई इतनी गर्मी लग रही थी यार, मैं क्या बताऊँ यार, अब नहा के इतना मज़ा आ गया, एकदम फ्रेश फील हो रहा है और एकदम शरीर ठंडा हो गया यार। इतनी देर से ऐसा गर्मी लग रही थी, पसीने निकले जा रहे थे इतने तेज, मज़ा आ गया नहा के। एकदम मोटर चलाया, ठंडा ठंडा पानी आया, उससे नहा लिया। अब चलो मैं कपड़े पहन लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ, ठीक है, बाय। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ, कपड़े वपड़े मैंने पहन लिए, और मैंने सारा सामान चेक कर लिया अच्छे से कि कुछ रह ना गया हो। और मैंने सारा सामान ले लिया, मैं छाता भूल गया था, और वैसे भी इस टाइम पे तो वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब मैंने छाता भी अपना ले लिया, मेरा सारा सामान पैक हो चुका है, और बस मैं निकलने वाला हूँ यहाँ से। अब मेरा एक दोस्त आ रहा है मुझे छोड़ने, वो कह रहा था मैं तो ये छोड़ दूँगा वहाँ तक, मजनू के टीले तक। मैंने चला, मेरे मजनू के टीले तक जाने के लिए पैसे बच जाएंगे जो लगते हैं एक्स्ट्रा, मेरा फ़ायदा करवा दिया उसने। बस अब थोड़ी देर में आता ही होगा, जैसे ही वो आएगा तो मैं निकल जाऊँगा। और बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले ट्रैकिंग पे। और वैसे भी यार मैं इस ट्रैकिंग पे अकेला जा रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं गया मेरे साथ। मैंने इतने फ्रेंड्स को बोल दिया कि वो लोग पैदल चल ही नहीं पाते, थक जाते, कहते भाई तेरे साथ नहीं जाएंगे, तो जंगल में रुकता है, रात को रुकता है, डर लगता है, तो होटल लेता नहीं है। अब यार एक बात बताओ, जब मैंने कैंप ले रखा है और असली नेचर का मज़ा लेना है, तो जंगलों में रहने में तो आएगा ना। अब जब नेचर का मज़ा नहीं लोगे, आप पहाड़ पर जाके तो फ़ायदा क्या, फिर होटल में जाके तो सब रह लेते हैं। और अपना अलग ही मज़ा होता है जब हम खुद से अपना खाना बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, सब चीज़ बनाते हैं, और अलग ही एक्सपीरियंस होता है वो, तो यार। और वो लोग समझते नहीं है, कोई नहीं, चलो मैं इस बार अकेला जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम वो देखेंगे मेरी वीडियो देख के, फिर बोलेंगे देखना कि मैं भी चलूँगा। तो चलो मिलता हूँ मैं बाद में, मेरी सारी पैकिंग तो हो चुकी है। और पता है एक चीज़ मैं दिखाऊँ, हम मेरे बैग की ना सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो पता क्या है, वो ये देखो, ये तिरंगा है, देखो ये तिरंगा लगा के मेरे बैग में जान आ गई है, और बहुत बढ़िया लग रहा है। और बैनर मैं अभी यहाँ नहीं लगाऊंगा, बैनर लगाऊंगा मैं वहाँ पर जाके, क्योंकि यहाँ पर से लगा के जाना फिर वही बैग भी भारी है और कोई देखे ना देखे, तो इसलिए मैं जब हिमाचल पहुँच जाऊँगा तो वहाँ पर मैं बैनर पीछे बांध दूँगा, यहाँ पर ये इस वाले पोजिशन में पूरा बैनर बांध दूँगा, और फिर वहाँ से मेरे को ईजिली लिफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय।